नमस्कार दोस्तों, तो देखिए ये मेरे पास आज एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में जो तीसरा वायर है, जो टोटल चार वायर है, तो उसमें ये स्टार कनेक्टेड है बेसिकली। और ये जो है ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा लोड के अंदर गया हुआ है, यहाँ पे करंट होगा और वही न्यूट्रल जो है वो मैंने ग्राउंड में कनेक्ट किया है इसके थ्रू। ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए काम आता है, इसमें कोई करंट नहीं होगा। अगर मैं करंट को रीड करना चाहूँ तो इसमें कोई करंट नहीं है, जीरो एम्पियर करंट दिखा रहा है ये, ठीक है ना। वहीं अगर मैं ये जो न्यूट्रल वायर जो लोड के अंदर गया हुआ है उसमें करंट अगर मैं दिखाऊं तो करीबन 18 एम्पियर के अराउंड करंट है। वहीं पे अगर आप फेजेस का करंट देखोगे तो क्योंकि अनबैलेंस लोड है तो फेजेस में करंट अलग अलग होगा। जरा ए फेज का करंट देखिए, करीबन 25 है। दूसरे फेज का जो करंट है वो करीबन 9.7 एम्पियर है और यहाँ पे जो फेज करंट है वो करीबन 15 या 19 या 20 एम्पियर का करंट है। ये अनबैलेंस लोड है बेसिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।